डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी क्लास 11 फाउंडेशन की स्टडी हम लोग इस समय कर रहे हैं, जिसमें फिजिक्स में मैकेनिक्स चल रहा है। मैकेनिक्स में फर्स्ट टॉपिक यूनिट डायमेंशंस, परसेंट एरर मेजरमेंट टॉपिक, जिसमें हम लोग यूनिट्स पढ़ लिया था। डायमेंशन इस समय चल रहा है और डायमेंशन का डायमेंशनल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। डायमेंशनल एनालिसिस में तीन एप्लीकेशन हम लोग को पढ़ने थे, थ्री एनालिसिस हम लोग को पढ़ने थे, जिसमें फर्स्ट एनालिसिस था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिक्स इक्वेशन, किसी भी फिजिक्स इक्वेशन के करेक्टनेस को चेक करना। करेक्टनेस में लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन। जब ऐसा होता है तो इसको बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो हम लोग इक्वेशन पे बेस्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे थे, जिसमें राइट हैंड साइड के डायमेंशन को लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल करके क्वेश्चन को क्या करना था, सॉल्व करना था। लेकिन इसके बाद से हम लोग कुछ और नया कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिकी कॉन्सेप्ट, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डायमेंशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डायमेंशन। तो जहां भी क्वेश्चन में डियर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, समझ जाओ वो निश्चित है कि क्वेश्चन एकदम आसान है। लेकिन जो कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन डियर वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले ही पूछे जा रहे हैं। तो पिछले टर्म पर ट्रिग्नोमेट्रिकल और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के क्वेश्चन कराए थे, आज फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के क्वेश्चन कराने चल रहे हैं। फिर फर्स्ट जो एप्लीकेशन है इसका फिनिश हो जाएगा, इसके बाद से सेकंड एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे एनालिसिस का, जिसमें कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में डायमेंशन मेथड से क्या करना, कन्वर्ट करना। और उसके बाद से थर्ड एप्लीकेशन टू इस्टेब्लिश द फिजिक्स फार्मूला विद हेल्प ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन के हेल्प से फिजिक्स के फार्मूले को इस्टेब्लिश करना। ये तीन एप्लीकेशन इसके होते हैं, थ्री इसके यूजेज होते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों को पढ़ने हैं और ये जो तीनों एप्लीकेशंस हैं ये स्कूल के एग्जाम में खूब आते हैं और कंपटीशन में नीट एग्जाम और आईआईटी एग्जाम में धीर जबरदस्त आता है। तो आज हम क्वेश्चन कराएंगे, देखना किस तरह से आईटीज एग्जाम में इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन इसके सॉल्व किया जा सकते हैं। जिनको आइडिया नहीं रहता, केवल क्लास 11th के कॉन्सेप्ट का ही आइडिया रहता है, हायर लेवल के कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं रहता, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता, जबकि एकदम आसान होता है। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये सब का सब क्या होता है, डायमेंशन लेस। तो कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इफ फोर्स एफ इज इक्वल टू ए साइन पी एक्स प्लस बी कॉस क्यू टी, जिसमें एक्स डिस्टेंस है, ध्यान दो एक्स इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टी इज टाइम। जो x है यह डिस्टेंस और t टाइम है, और f इज फोर्स। यहां देखो फोर्स लिखा है, यानी f फोर्स हो गया, x डिस्टेंस हो गया, t टाइम हो गया, तो q b p a सबका डायमेंशन फाइंड करना है। देन फाइंड डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ पी, डायमेंशन ऑफ क्यू अपान पी। क्यू अपान पी का भी डायमेंशन ये पूछ रहे हैं। तीन क्वेश्चन इसमें डेवलप कर दिया, देखो कितना आसान स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कौन सा फंक्शन? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये कॉस थीटा है, ये देखो साइन थीटा है, तो कॉस है साइन है, निश्चित है कौन सा फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो देख लो ये हो जाएगा डायमेंशन लेस, ये पूरा डायमेंशन लेस हो गया, ये भी पूरा डायमेंशन लेस हो गया। रीजन बताओ क्यों डायमेंशन लेस हो गया, ड्यू टू ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ओ डियर, जब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया तो ये हो गया डायमेंशनली वन, ये भी हो गया डायमेंशनली वन, इसलिए यहाँ केवल बचा बी, ये यहाँ केवल बचा ए, और ये दोनों आपस में क्या हैं, प्लस हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट कहता है कि बी का डायमेंशन इज इक्वल टू ए का डायमेंशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि इज इक्वल टू
एफ का डायमेंशन। इसका मतलब जो ए का डायमेंशन होगा वही बी का डायमेंशन। क्यों? क्योंकि दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटीज जब आपस में प्लस या माइनस होते हैं तो उनके डायमेंशन क्या होते हैं? सेम होते हैं। सेम डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटीज ही आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं। तो यहां से बी बचा और यहां से ए बचा, तो ए का डायमेंशन इज इक्वल टू बी का डायमेंशन, ए का डायमेंशन इज इक्वल टू बी का डायमेंशन इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन। और फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू। तो अगर तुमसे ए अपान बी का डायमेंशन पूछे तो ए इज फोर्स, बी इज आल्सो फोर्स, फोर्स अपान फोर्स इज डायमेंशन लेस, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो ए और बी का डायमेंशन फोर्स का डायमेंशन होता है, ए अपान बी का डायमेंशन डायमेंशनलेस होगा। यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होने के कारण देखो कितना आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्यू अपान पी का डायमेंशन यहां पर पूछ रहे हैं, तो क्यू अपान पी की डायमेंशन के लिए तुम देख रहे हो यह है साइन थीटा, यह है कॉस थीटा, मतलब डियर ये एंगल है और ये भी डियर एंगल है। इसलिए जब ये एंगल है तो जो QT होगा ये डायमेंशनलेस होगा और PX भी डायमेंशनलेस होगा। इसलिए ये चूंकि एंगल के स्थान पर है, ये भी एंगल के स्थान पर है, एंगल डायमेंशनलेस होता है, इसलिए QT और PX दोनों का डायमेंशन इक्वल होगा। इसलिए देखो हमने इक्वल लिख दिया, Q को Q रहने दो, P को उधर से इधर उठा लाओ, तो Q अपान P इज इक्वल टू X अपान T, और X अपान T का मतलब डियर एल टी माइनस वन। तो यहां से आ गया एल टी माइनस वन इज डायमेंशन ऑफ Q अपान P। तो तीनों पार्ट देखो क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के क्वेश्चन हम लोग इस समय सॉल्व कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के क्वेश्चन एकदम आसान होते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट कंपटीशंस में आते हैं। क्लास 11th के स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देता, आगे चलकर उसको ऐसे क्वेश्चंस पे दिक्कत होता है, फिर स्टूडेंट डिप्रेस होता है, जबकि कितना आसान है। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से मन में कॉन्फिडेंस आता है। अब हम लोग सेकेंड लेवल एनसीईआरटी, फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल, सेकेंड लेवल से असाइनमेंट से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जो कि ऑलरेडी असाइनमेंट में ये सेकेंड लेवल यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि पीडीएफ फाइल में पूरा असाइनमेंट आपको उपलब्ध है। और जिसके पास ये असाइनमेंट नहीं होगा पीडीएफ फाइल में, उनकी रिस्पांसिबिलिटी होगी वो मैसेज भेज करके या फ़ोन करके असाइनमेंट को जरूर मंगा लें और क्वेश्चन को सॉल्व करें, जिसमें कि सेकेंड लेवल का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर पेज तीन बार इसमें लिखा है, फर्स्ट नंबर पेज एनसीईआरटी में भी लिखा है, फर्स्ट नंबर पेज फर्स्ट लेवल में भी लिखा है, फिर फर्स्ट नंबर पेज सेकंड लेवल में लिखा है। जो लेवल जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं नंबरिंग भी वहीं से स्टार्ट हुआ है। इसलिए सेकंड लेवल के फर्स्ट नंबर पेज पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। इलेवन नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल, सेकेंड लेवल का क्वेश्चन नंबर 11। द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल एट ए टाइम टी इज गिवन बाई रिलेशन, ये देखो पोजिशन दिया है एक्स इज द फंक्शन ऑफ टाइम टी, टी के बारे में बता रहे हैं क्या है, दैट इज वी नॉट अपॉन अल्फा इन ब्रैकेट वन माइनस ई पावर माइनस
अल्फा टी, इसमें देख रहे हो दो क्वेश्चन डेवलप किए हुए हैं, वी नॉट और अल्फा का डायमेंशन फाइंड करना है। देन फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड डायमेंशन ऑफ वी नॉट। अल्फा का डायमेंशन फाइंड करना है और वी नॉट का डायमेंशन इसमें फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन देखो, देखने से कितना अजीब लग रहा है कि अरे ये कैसा क्वेश्चन है। तो जो क्लास 11th का स्टूडेंट है वो जस्ट हाई स्कूल पास करके आया है, अभी हाई स्कूल का एग्जाम दिया है, तो उसको थोड़ा सा ये अजीब लगेगा ये कैसे क्वेश्चंस हैं। लेकिन यही सब क्वेश्चन तो कंपटीशन में आगे चल के पूछ रहे हैं और कितना आसान है, तुरंत तुम्हारे मन में आ रही है ये तो एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल होने के कारण डियर समझ जाओ एकदम आसान है, खुश हो जाओ और ऐसे क्वेश्चन को चुड़ी बजा के क्या करो, सॉल्व करो। आओ देख लो इसमें साल जब करोगे डियर तो यहां पर तुमको कंफ्यूजन होगा कि ये x इंटू डियर तुम t कहोगे, ये लिखने का देखो तरीका है, ये x इंटू t नहीं, ब्रैकेट में t लिखा है, मतलब ये बताना चाहता है कि ये जो इक्वेशन है ये टाइम का फंक्शन है। यहां पर ये मिस्टेक कर सकते हो, x का t में मल्टीप्लाई नहीं है, ये डियर केवल only x है, यहाँ पे t से मल्टीप्लाई नहीं है, वो ब्रैकेट में जो t लिखा गया है वो बताना चाह रहा है कि ये इक्वेशन टाइम का फंक्शन है। इसलिए हम देखो इसको ऐसे लिख रहे हैं, x इज इक्वल टू t को छोड़ेंगे, ये लिखने का तरीका ऐसे फंक्शन लिखा जाता है ना एफ एक्स, मतलब ये फंक्शन f, आगे चल के इक्वेशन लिखेंगे तो फंक्शन ये एक्स का फंक्शन है, आगे जो भी इक्वेशन लिखेंगे एक्स के टर्म में होगा, इसको फंक्शन लिखते हैं। तो उसी तरह से यहां पर ये टाइम का फंक्शन बस इंडिकेट कर रहा है, कंफ्यूज कर सकता है, ये टी से मल्टीप्लाई नहीं है केवल एक्स है, इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन अल्फा इन ब्रैकेट वन माइनस ई पावर माइनस अल्फा टी। अब डियर तुम देख लो ये एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल है तो डायमेंशन लेस हो गया कि नहीं, और ये वन भी डायमेंशनलेस है तो ये पूरा टर्म डायमेंशनलेस हो गया। तो वी नॉट अपॉन अल्फा का डायमेंशन कितना हो जाएगा एक्स, तो वी नॉट अपॉन अल्फा का डायमेंशन जब एक्स के बराबर होगा तो तुम वी नॉट का डायमेंशन तभी फाइंड कर पाओगे जब अल्फा का डायमेंशन फाइंड कर पाओगे। तो अल्फा का डायमेंशन तुम यहां से फाइंड कर लो, ये पूरा जब डायमेंशनलेस है तो ये भी डायमेंशनलेस है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होने के कारण। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले टर्म पे किए थे, जब ये डायमेंशनलेस होगा तो इसका पावर भी डियर डायमेंशनलेस होगा। तो ये जब ये डायमेंशनलेस होगा तो अल्फा टी भी डायमेंशनलेस होगा, और डायमेंशनलेस का मतलब डियर वन, आ गया अल्फा टी का डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन लेस दैट इज वन। तो यहां से आ गया अल्फा का डायमेंशन इज इक्वल टू वन अपॉन टी, दैट इज अल्फा का डायमेंशन आ गया टी इनवर्स। अल्फा का डायमेंशन टी इनवर्स आ गया। अब जब ये पूरा डायमेंशनलेस है, देख लो जब ये डायमेंशनलेस वन डायमेंशनलेस ही है तो ये पूरा डायमेंशनलेस हो गया, तो वी नॉट अपॉन अल्फा, वी नॉट अपॉन अल्फा इसका डायमेंशन इज इक्वल टू एक्स अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसलिए यहां से डियर वी नॉट का डायमेंशन, वी नॉट का डायमेंशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स का डायमेंशन, एक्स का डायमेंशन होगा एल और अल्फा का डायमेंशन यहां से आया है टी इनवर्स। तो वी नॉट का डायमेंशन आ गया वेलासिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन। देख रहे हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसमें है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होने के कारण कितना आसानी से सॉल्व हो गया। ऐसे क्वेश्चन देखने में थोड़ा टफ होते हैं लेकिन अगर सीख जाओ तो बहुत ही आसान लगते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को चुटकी बजा बजा क्या करो डियर, सॉल्व करो। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
सेकंड लेवल का पेज नंबर 7 से 106 नंबर क्वेश्चन आईआईटी 2019 में। देखो ये क्वेश्चन कैसे आया है, जस्ट अभी आईआईटी 2019 का क्वेश्चन है और एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन देखो इसमें दे दिया है, कितना आसानी से तुम सॉल्व कर सकते हो। 106 नंबर क्वेश्चन, आईआईटी 2019 का क्वेश्चन है और बताए ना कि आईटीज में मेडिकल में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के क्वेश्चन को डियर टच करता है। तो यहां देखो दे दिया है फोर्स एफ इज इक्वल टू अल्फा बीटा और यहां दे दिया है एक्सपोनेंशियल ईएक्सपी यानी एक्सपोनेंशियल इन ब्रैकेट माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के इंटू टी, ये दिया है। तो कह रहा है कि यहाँ पर वेयर एक्स इज डिस्टेंस, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन हम बता चुके हैं, गैस कांस्टेंट और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन सेम होता है, एंड टी इज टेम्परेचर, एंड अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स, देन डायमेंशन ऑफ बीटा, किसका डायमेंशन पूछ रहा है बताओ, बीटा का डायमेंशन फाइंड करना है और एफ क्या है यहाँ पर, फोर्स है। हियर एफ इज फोर्स, एक्स इज डिस्टेंस, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर। सबका डायमेंशन पता है, फोर्स का डायमेंशन पता है सबको MLT माइनस टू, डिस्टेंस का डायमेंशन L, टेम्परेचर का डायमेंशन थीटा, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन गैस कांस्टेंट, एनर्जी के कांसेप्ट से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर, बीटा का डायमेंशन यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। बीटा का डायमेंशन तुम तभी फाइंड कर पाओगे जब किसका डायमेंशन फाइंड कर पाओगे, अल्फा का। तो एक तरह से जो क्वेश्चन लिखा है तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो फोर्स एफ इज इक्वल टू अल्फा बीटा इंटू एक्सपोनेंशियल ई, देखो एक्सपोनेंशियल ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के इंटू टी, देख लो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये लिख देने से और क्लियर कर दिया है, मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ईएक्सपी मतलब एक्सपोनेंशियल। और हम लोग देखो इसको इस तरह से लिखते हैं, बात वही हुआ। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया बताओ, ये पूरा पूरा फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होने के कारण डायमेंशनलेस हुआ कि नहीं, ये हो गया डियर एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट इज डायमेंशन लेस, ये हो जाएगा डायमेंशनलेस। जब ये डायमेंशनलेस होगा तो इसका पावर भी डायमेंशनलेस होगा, जब इसका पावर डायमेंशनलेस होगा तो वहां से अल्फा का डायमेंशन आएगा, जब अल्फा का डायमेंशन आ जाएगा तो अल्फा इंटू बीटा का डायमेंशन को फोर्स के बराबर कर देंगे, तो यहां से बीटा का डायमेंशन हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो यहां से देख लो एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के इंटू टी, इसका डायमेंशन जिसमें डायमेंशन में माइनस नहीं लिखा जाता, देखो माइनस हम नहीं लिख रहे हैं, ये डायमेंशन लेस होगा और डायमेंशन लेस होने के कारण इसको क्या लिख देंगे, वन लिख देंगे। क्यों डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो पावर है, तो पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब डायमेंशन लेस होगा तो उसका पावर भी डायमेंशन लेस होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन हम लोग पिछले टर्म पे सॉल्व किए थे, तो इस टाइप के क्वेश्चन किस तरह से देखो ITS में पूछे गए हैं, एकदम आसान होते हैं। अभी से ये सब कॉन्सेप्ट आप लोगों को सीखना है जिससे कि मन में कॉन्फिडेंस रहे, फिर स्कूल वाले क्वेश्चन तो इससे चुटकी बजा के क्या होंगे, सॉल्व होंगे। तो यहां से हम लोग अगर अल्फा का डायमेंशन फाइंड करें तो देखो अल्फा इधर आ गया, तो डायमेंशन ऑफ अल्फा, अल्फा आ गया इधर, तो बच गया एक्स स्क्वायर अपॉन के टी, एक्स स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर एल स्क्वायर, अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यहां पर है, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर दिया है, ध्यान दो टी टाइम नहीं है, टी टेम्परेचर है, तो इसके लिए हमने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT,
ये पर मोल के लिए गैस मालिक्यूल का एक काइनेटिक एनर्जी होता है, और पर मालिक्यूल के लिए 3/2 kT होता है। तो यहाँ से ये जो काइनेटिक एनर्जी ई है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन फाइंड करना है, तो ई ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन इज इक्वल टू एनर्जी अपान टेम्परेचर, एनर्जी का डायमेंशन ML2 T-2, और ये डियर एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी होता है, तो इसको थीटा कहेंगे। ध्यान दो, ये टाइम नहीं है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है? थीटा। तो ये ML2 T-2 अपान थीटा, ये न्यूमरेटर में जाकर के θ-1 हो जाएगा। तो देख लो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन होता है एनर्जी अपान टेम्परेचर। यहाँ ध्यान दो, मिस्टेक ना करना, ये टाइम नहीं, टेम्परेचर होता है काइनेटिक एनर्जी में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में। तो यहाँ से हम लोग के का डायमेंशन यहाँ लिख दें, ML2 T-2 θ-1, और ये टी ऑलरेडी क्वेश्चन में देख लो टेम्परेचर लिखा है, तो इस टी का डायमेंशन इज आल्सो थीटा। तो ये थीटा से थीटा इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से हम लोगों ने किसका डायमेंशन फाइंड कर लिया, अल्फा का। तो अल्फा का डायमेंशन इज इक्वल टू m-1 और टी स्क्वायर, m-1 t² ये अल्फा का डायमेंशन आ गया। लेकिन हम लोग को बीटा का डायमेंशन चाहिए, तो डियर ये पूरा डायमेंशनलेस है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसलिए अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा का डायमेंशन इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन, इसलिए यहां से बीटा का डायमेंशन इक्वल टू फोर्स अपान अल्फा का डायमेंशन। तो फोर्स का डायमेंशन हो गया ML T-2 अपान अल्फा का डायमेंशन m-1 t². तो ये आ गया m² L T-4, ये न्यूमरेटर जाएगा तो m² L, ये यहाँ आएगा तो माइनस माइनस मिल करके -4 हो जाएगा। इट इज द डायमेंशन ऑफ बीटा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो डायमेंशन आया बीटा का m² L T-4, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो देख रहे हो किस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन के क्वेश्चंस हैं यहां पर। और ये आईटी मेंस 2019 में देखो ये क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ऑलरेडी असाइनमेंट में पहले से है। अगर तुम देखो तो 53 नंबर क्वेश्चन ऑफ 3 नंबर पेज, सेकंड लेवल का 53 नंबर क्वेश्चन भी एकदम यही क्वेश्चन दिया है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट असाइनमेंट से ही देखो क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो एंड 53 नंबर क्वेश्चन, सब लोग देखना, सेकंड लेवल का 53 नंबर क्वेश्चन भी यही है। पीडीएफ फाइल से असाइनमेंट निकालना और क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे जाएगा। ऑलरेडी ये क्वेश्चन इस तरह से जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन दैट इज एनालिसिस, फर्स्ट एनालिसिस। तो एनालिसिस में हम लोग ऑलरेडी
किसी भी इक्वेशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल टू राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर करके तब जाके हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, जिसको कि एलईडी कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसमें यह भी कॉन्सेप्ट यूज किया गया कि अगर दो क्वांटिटी आपस में प्लस या माइनस है तो उनका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद से अब हम लोगों को इसमें एलईडी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी हम लोग पढ़े, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हम लोग पढ़े, और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डियर खूब ढेर सारे क्वेश्चंस भी किए। तो एक क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों को दे देते हैं, उसको अपने मन से क्या करना, सॉल्व करने का प्रयास करना एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। इसके बाद से अब हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ने चल रहे हैं कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को कैसे दूसरे सिस्टम में डियर कन्वर्ट किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन श्योर है कि एक क्वेश्चन स्कूल के एग्जाम में जरूर आता है, और किस तरह से इस पर आईआईटीज में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेडिकल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को भी देखो हम सॉल्व कराएंगे। तो आईआईटी में भी क्वेश्चन आएगा, मेडिकल में भी क्वेश्चन इस पे आता है, और क्लास इलेवेंथ के स्कूल के एग्जाम में तो श्योर है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं। तो हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, इसको अपने मन से सब लोग सॉल्व करना। If velocity v is equal to a sin bx plus ct plus d, t is time, t क्या है यहां पर, टाइम है, t के डायमेंशन को कैपिटल t कहोगे, x डिस्टेंस है, एक्स के डायमेंशन को कैपिटल एल कहोगे, और वी वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन एल टी माइनस वन होगा। तो डायमेंशन किसका पूछ रहा है, डी का, सी का, बी का और ए का, इन चारों का डायमेंशन क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ सी एंड डायमेंशन ऑफ डी, इन चारों का डायमेंशन फाइंड करना है। आराम से तुम फाइंड कर सकते हो, क्योंकि तुम यहां पर देख लो कि ये कह देना कौन सा फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कह दोगे तो केवल क्या बचा, ए, तो ए का डायमेंशन इज इक्वल टू किसका डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन। तो ए का डायमेंशन सीधे सीधे वेलोसिटी का डायमेंशन आ गया। ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो ये सब के सब डायमेंशन लेस होंगे, क्योंकि ये साइन थीटा देखो एंगल के स्थान पर है। तो यहाँ पर देख लो बी एक्स प्लस सी इंटू टी प्लस डी, तो जो डी है वो अकेला है, तो ये हो जाएगा डायमेंशन लेस। CT भी होगा डायमेंशन लेस, तो CT इज इक्वल टू 1 लिख करके C का डायमेंशन निकाल लेना, BX इज इक्वल टू 1 करके B का डायमेंशन निकाल लेना। तो B का डायमेंशन आ जाएगा L माइनस 1, C का डायमेंशन आ जाएगा T माइनस 1, D हो जाएगा डायमेंशन लेस, और A का डायमेंशन हो जाएगा वेलोसिटी का डायमेंशन। तो सॉल्व करोगे सब लोग, श्योर इसको अपने मन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। अब आओ हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ने चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, और थर्ड एप्लीकेशन तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सेकंड एप्लीकेशन, टू कन्वर्ट, टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ ए सिस्टम इन अनदर सिस्टम। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना,
एक सिस्टम ऑफ यूनिट को जब दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए देता है, तो इसमें खास बात यह होता है कि जैसे एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन हम कराएंगे कि फोर्स का जो यूनिट है न्यूटन, उसको डाइन में कन्वर्ट करना, एमकेएस यूनिट को सीजीएस सिस्टम में क्या करना, कन्वर्ट करना। तो जनरली एमकेएस यूनिट को सीजीएस सिस्टम में बड़ा ही आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन ये समस्या यह है कि लिखता है कि डायमेंशन मेथड से क्या करो, कन्वर्ट करो। तो वह मेथड सीखना है जिससे कि हम लोग किसी भी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे यूनिट में डायमेंशन मेथड से क्या कर सकें, कन्वर्ट कर सकें। इसके लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को देखा जाए, उस फार्मूले को डिराइव किया जाए और उस फार्मूले के हेल्प से डायमेंशन का, डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड एप्लीकेशन पढ़ा जाए, जिसमें कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो वह फार्मूला क्या होता है, इसके लिए अगर तुम इसको ध्यान दो कि वी नो दैट वन किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, देख रहे हो, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, मतलब ये जो वन है इसका यूनिट है, किलोग्राम इसका यूनिट है और जो वन है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है। यहाँ देखो 1000 ग्राम, तो जो 1000 है डियर ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है और जो ग्राम है इसका यूनिट है। तो किलोग्राम एमकेएस है और ग्राम क्या है, सीजीएस है। जब हम लोग किलोग्राम से ग्राम में आ रहे हैं, एमकेएस से जब सीजीएस में आ रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ये देख रहे हैं कि 1 किलोग्राम से जब हम लोग ग्राम में आ रहे हैं तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से बढ़ करके 1000 हो जा रहा है। इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में हम लोग आते हैं तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इसका मतलब जिस रेशियो में न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज होगा उसी रेशियो में उसका यूनिट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं डियर कि जो वन है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू N1 है और जो किलोग्राम है इसका यूनिट U1 है और 1000 इसका न्यूमेरिकल वैल्यू डियर N2 है और ये इसका यूनिट U2 है। देख रहे हो, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, यही मेन कांसेप्ट हम बता रहे थे। अब चाहे जितने भी छोटे यूनिट में मिलीग्राम में इसको कन्वर्ट कर दो, न्यूमेरिकल वैल्यू और ज्यादा बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा डियर, कांस्टेंट। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब यहां से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन जो होता है डियर वो कांस्टेंट होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा डियर, कांस्टेंट। इसका मतलब यहां से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जिस रेशियो में यूनिट डिक्रीज होगा उसी रेशियो में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, इसलिए जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं उनमें अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो n और u में जो ग्राफ होगा ये होगा डियर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस ग्राफ को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ, मतलब एक क्वांटिटी इंक्रीज होगा तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है कि मतलब जब यू ऐसे इंक्रीज करेगा तो यन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यू इंक्रीज डिक्रीज करेगा तो यन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जहां भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वहां का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। तो यहां पे देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए ग्राफ क्या हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ ये हो गया।
लेकिन हम लोग को ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिस फॉर्मूले से हम लोग एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकें। तो दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए एक सिस्टम ऑफ यूनिट का न्यूमेरिकल वैल्यू पता रहता है, दूसरे सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये कॉन्सेप्ट मिला है एन वन यू वन इजकल टू एन टू यू टू। तो यहाँ से दूसरे सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू यही n2 फाइंड कराता है। तो n1 को n1 रहने दें और ये देखो यूनिट है, u1 इज यूनिट। यूनिट को हम लोग ऑलरेडी डायमेंशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो डायमेंशन लिखेंगे हम लोग m l t इज इक्वल टू दूसरे सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू n2 और इसका यूनिट डायमेंशन के फॉर्म में m l into t। लेकिन ये फर्स्ट सिस्टम का है इसलिए यहाँ m1, l1, t1। ये सेकेंड सिस्टम का है तो m2, l2, t2। और अब ये जो भी यूनिट हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये मास है कि टाइम है या लेंथ है या मोमेंटम है या फोर्स है या इम्पल्स है, ये तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसका पावर यहाँ टू भी हो सकता है, पावर यहाँ थ्री भी हो सकता है, पावर माइनस वन भी हो सकता है। इसलिए ये जो पावर होता है ये तो कुछ भी हो सकता है और वो पावर उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन से पता चल जाता है। जैसे फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू तो एम पावर वन, एल पावर वन, टी पावर माइनस टू, तो ए बी सी डी आर इसको लिखते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं ए बी एंड सी, यहाँ पर भी हो जाएगा ए बी एंड सी। तो जो पावर इधर रहेगा वही पावर इधर रहेगा। ये वन इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट सिस्टम, टू इंडिकेट कर रहा है सेकंड सिस्टम। तो यहाँ से देख लो हम लोग क्या फाइंड कर लिए एन टू, तो एन टू इज इक्वल टू एन वन इन ब्रैकेट एम वन अपान एम टू पावर ए। यहाँ से आ गया एल वन अपान एल टू पावर बी। यहाँ से आ गया देखो टी वन अपान टी टू पावर सी। तो एम वन अपान एम टू पावर ए, एल वन अपान एल टू पावर बी, टी वन अपान टी टू पावर सी। तो इस तरह से सेकेंड सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू डियर इससे चुटकी बजा के हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो जब भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कराएगा तो उसको डायमेंशन मेथड से इस फॉर्मूले से क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो क्लास 11th के जो क्वेश्चंस होते हैं इस मेथड से बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाते हैं और इसमें हम ऑलरेडी आईआईटीज के क्वेश्चन और पीएमटीज के क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आए हैं उन क्वेश्चन को भी हम क्या कराएंगे, सॉल्व कराएंगे। तो सेकेंड सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू एन टू इजकल टू एन वन, फर्स्ट सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा एम वन अपान एम टू पावर ए, एल वन अपान एल टू पावर बी, टी वन अपान टी टू पावर सी, जिसमें ए बी और सी का वैल्यू उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन लिखने से पता चल जाता है। बाकी किस सिस्टम को किस सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो ये फर्स्ट सिस्टम का M1, L1, T1 वैल्यू होगा और M2, L2, T2 ये सेकेंड सिस्टम का होगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस फार्मूले से हम लोग ऑलरेडी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में डायमेंशन मेथड से क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आज का कॉन्सेप्ट इतना ही रहने दे रहे हैं। अगले टर्न पर जस्ट इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस करा देंगे और क्वेश्चन कराने के बाद से फिर थर्ड एप्लीकेशन को हम लोग टच करेंगे और तब उधर आ जाएगा एरर का कॉन्सेप्ट, फिर आ जाएगा मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट। खूब मेहनत से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, एक जो क्वेश्चन दिए थे उसको जरूर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।